इस करवा चौथ अगर आप भी अपने हाथ से बने मिठाई से अपने पति का मुंह मीठा कराना चाहते हैं तो बनाइए आसान सा पेड़ा रेसिपी। देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम मुंह में घुल जाने वाला। देखिए लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा। चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है कांति इजी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत बढ़िया और जल्दी बनने वाला खोए से मिठाई। तो त्योहारों का सीजन चल रहा है और अभी करवा चौथ आने वाला है और दिवाली आने वाला है, तो ना घर पर ही होममेड मिठाई बनाई जाए जो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बने और कम चीज़ों से बने। तो चलिए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। पेड़ा बनाने के लिए हमने लिया है 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध, और यहाँ पे लिया है हमने 8 से 10 धागे केसर का, और हमने लिया है पिसी हुई चीनी, और ये है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ना मिले तो आप ये एवरीडे का वाइटनर ले सकते हैं। इससे खोआ बनाने में बहुत आसानी होगी, बहुत जल्दी बनेगा खोआ और बहुत बढ़िया बनेगा। सबसे पहले खोआ बनाएंगे, उसके लिए हमने ये गैस ऑन कर लिया है और उस पर पैन रख दिया है। और पैन रखने के बाद से इसमें डालेंगे 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध। दूध हमने पहले से उबाल करके रखा है और आप लोग इसे कच्चा भी ले सकते हैं। गैस का फ्लेम हमने तेज रखा है और दूध को लगातार चलाते हुए पकाना है। ध्यान रखना है कि दूध उबल कर गिरे ना, चलाते रहेंगे तो दूध नहीं गिरेगा। दूध उबलना शुरू हो गया है और ये किनारों पे लगना शुरू हो गया है, तो किनारे से छुड़ाते हुए अब हम इसमें से थोड़ा सिर्फ 1 चम्मच दूध लेंगे और केसर के अंदर डाल देंगे, जिससे कि केसर फूल करके अपना कलर रिलीज करेगा। अब ये देखिए हमने केसर को दूध में भिगा दिया है और इसको अब हम रख देंगे। आधा हो चुका है और काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है, तो अब इसी स्टेज पर इसमें मिल्क पाउडर डाल के एक हाथ से थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डालते जाएंगे और एक हाथ से मिक्स करते जाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि लम्स ना रहे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी मावा बन के तैयार हो जाएगा। फिर से इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। घड़ी का टाइम देख करके सिर्फ 20 मिनट लगा है ये मावा तैयार करने में, और आप ये देख सकते हैं कि कितना जल्दी और कितना बढ़िया दानेदार मावा बन के तैयार हुआ है। बस 2-3 मिनट और इसको भून लेंगे, उसके बाद से ना गैस बंद कर देंगे। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा और भी अच्छा होते जाएगा, तो इसको ऐसे गैस बंद करने के बाद से लगातार चलाते रहना है और चलाते हुए इसको और मिला लेना है अच्छे से। देखिए चलाने में ये और बढ़िया सा स्मूद हो रहा है। और जैसे ही ये हल्का ठंडा हो जाएगा तब इसमें चीनी मिक्स करेंगे। अगर गर्म में ही चीनी मिक्स करेंगे तो पेड़ा चिपचिपा हो जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। चाहें तो मार्केट का भी ले सकते हैं, लेकिन मार्केट में काफ़ी मिलावट वाला खोआ मिलता है, तो हो सके तो आप खोआ घर पे बना लें। ये जो मैंने ट्रिक बताई है मिल्क पाउडर मिलाने से, उससे बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो आप एक बार बनाकर जरूर देखें। देखिए केसर अपना रंग छोड़ चुका है, तो अभी ये केसर वाला दूध इसके अंदर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। चाहें तो हरी इलायची भी पीस करके डाल सकते हैं। फ्लेवर डालने से कितना अच्छा कलर आ गया। मावा ठंडा हो चुका है, तब इसी स्टेज पर चीनी मिक्स कर लेंगे। और चीनी आप अपने हिसाब से डालें, मीठा कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। चीनी अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, इसे उठा करके हम 5 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे, और ये थोड़ा और ठंडा हो जाएगा तब हम निकाल करके पेड़ा बनाएंगे। 5 मिनट के लिए ही मैंने फ्रीज में रखा था और कितना बढ़िया सेट हो चुका है। तो अब इसे एक बार प्लेट में डाल करके अच्छे से इसको मसल करके सॉफ्ट कर लेंगे। ये चिकना हो चुका है, मैं हल्का सा घी लगा लें, थोड़ा सा मावा लेकर के ये पेड़े का शेप दे दें। तब इसी तरह से सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। सारे पेड़े हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब 1/2 लीटर दूध में हमने ये 12 पेड़े बनाए हैं। केसर पेड़ा बनके तैयार है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।